हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सूरज कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सूरज सर। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पॉजिशन केस के बारे में, ये जो पॉजिशन केस है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें बहुत सारे आपके रूल्स हैं जो आपका किस तरीके से हम एक सिंगुलर नाउन को दूसरे सिंगुलर नाउन से जोड़ते हैं, बहुत सारे रूल हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट रूल है, इसका नेक्स्ट रूल के बारे में बताऊंगा कि क्या आपका नेक्स्ट रूल है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपका रूल है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस लाइक आपका ईच अदर वन अनदर। डियर स्टूडेंट, ये आपका दो ही ऐसे वर्ड्स हैं जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के अंतर्गत आता है। फर्स्ट इज ईच अदर एंड सेकेंड इज वन अनदर। सो ध्यान दीजिएगा, जो ईच अदर होता है डियर स्टूडेंट, इट इज यूज फॉर Only two place or two thing, and जो वन अनदर होता है इट इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन टू प्लेस और टू थिंग। सो ध्यान दीजिएगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत क्या आता है, ईच आता है, वन अनदर आता है। अगर ये वर्ड्स आ जाए स्टूडेंट, जैसे कंडीशन में फर्स्ट ट्रैफिक का प्रयोग एस का प्रयोग करके हम पॉजिशन बनाते हैं। एक बार फिर से बताना चाहूँगा स्टूडेंट, अगर आपका ईच अदर आ जाए, वन अनदर आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें पॉजिशन बनाना होगा तो हम क्या करते हैं, केवल एक अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके हम पॉजिशन बनाते हैं। सो एग्जांपल देखिएगा डियर स्टूडेंट, लाइक आपका एग्जांपल है ईच अदर हैंड। इसको ध्यान दीजिएगा, ईच अदर हैंड, जैसा कि मैंने आपको रूल बताया, अगर आपका ईच अदर आता है और वन अनदर आता है, हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम जो प्रयोग करेंगे, हम क्या करेंगे कि ईच अदर, हम ईच अदर नहीं करते, हम क्या करेंगे, ईच अदर्स करेंगे। तो ये जो हमारा एग्जांपल से क्या आपका गलत है, यहाँ आपका क्या ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, ईच अदर्स करते हैं, कभी भी हम ईच अदर का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ईच अदर है क्या आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, हैंड्स आपका क्या है, आपका नाउन है, प्लुरल नाउन है। तो ऐसे कंडीशन, इसका संबंध अगर हमें इससे रिप्रेजेंट करना हो, बताना हो, तो ऐसे कंडीशन हम यहाँ अदर्स का प्रयोग करते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्या आपका रॉन्ग है, सेकेंड है आपका ईच अदर हैंड्स। डियर स्टूडेंट, ये हमारा ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि हम जो प्रयोग करते हैं लास्ट का जो वर्ड है आपका ईच अदर, हम क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, ना कि आपका दोनों में, ईच एंड अदर्स में। तो हमारे जो वैल्यू है आपका ईच अदर्स हैंड्स, ये हमारे क्या है, ट्रू है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट है आपका ईट्स भी है आपका एंड अदर्स भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ अदर्स होगा केवल, यहाँ ईट्स का प्रयोग नहीं होगा। अगर आपका ईट्स एपोस्ट्रॉफी एस आ रहा है, ईच एपोस्ट्रॉफी एस आ रहा है, अदर एपोस्ट्रॉफी एस आ रहा है, जैसे कंडीशन हमारे क्या ये रॉन्ग है स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ऐसे आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसा आपका ईच अदर था, ऐसे आपका क्या है, वन अनदर है। तो वन अनदर पर ध्यान दीजिएगा कि आपको वन, अगर वन के बाद एपोस्ट्रॉफी आता है, एपोस्ट्रॉफी एस आता है, और अनदर के बाद एपोस्ट्रॉफी एस आता है, तो हमारे क्या होता है, ये रॉन्ग होता है स्टूडेंट। अगर वन के बाद एपोस्ट्रॉफी एस आता है और अनदर के बाद आपके एपोस्ट्रॉफी एस आता है, जैसे कंडीशन हमारे क्या होता है, ये रॉन्ग होता है। हमारा सही कब होगा डियर स्टूडेंट, अगर आपका वन अनदर के बाद एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ तब हमारा सही होगा। तो हमारा ये जो है डियर स्टूडेंट, गलत है। ऐसा दूसरा देखिएगा, वन आ रहा है एंड अनदर आ रहा है, तो वन में हमने आपको बताया कि वन के बाद एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी क्या डियर स्टूडेंट आपका गलत है। सही दिया आपका वन अनदर के बाद हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, ऐसे कंडीशन हमारे क्वेश्चन सही होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपका ईच अदर आए, वन अनदर आए, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, ईच अदर के बाद हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, और वन अनदर के बाद हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके हम पॉजिशन बनाते हैं डियर स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं सेंटेंसेस के थ्रू, तो ध्यान दीजिएगा, लाइक आपका सेंटेंस है, राम एंड सीता वर कैचिंग ईच एपोस्ट्रॉफी एस, ईच अदर्स हैंड। क्या रहा है आपका, ईच एपोस्ट्रॉफी एस दिया हुआ है, अदर एपोस्ट्रॉफी एस दिया हुआ है, इसके बाद आपका क्या रहा है, हैंड्स आ रहा है, क्या रहा आपका, हैंड्स आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन आपको पता है कि ईच के बाद हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, अदर्स के बाद में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं।
हम करते क्या है, अगर आपका ईच आया हुआ है, अदर आया हुआ है, ऐसे कंडीशन में हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, करेक्ट अगर हम लिखते हैं देखिए क्या, राम एंड सीता, राम एंड सीता वर कैचिंग, राम एंड सीता वर कैचिंग ईच, जैसा ध्यान दीजिएगा, ईच अदर में हम क्या करेंगे, अदर जो इसमें एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, ईच अदर हैंड्स। पूछा जाए व्हाट इज इरर इन दिस सेंटेंस, तो इरर आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, वन है एंड अनदर है, यहाँ पर यह एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा डियर फ्रेंड, दे वर टचिंग वन अनदर एपोस्ट्रॉफी, जो अनदर है इसमें क्या कहते हैं एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, बॉडीज। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट अगर आपका ईच अदर आएगा, जब भी हमें पजेसिव बनाना होगा हम क्या करेंगे, ईच अदर जो अदर है उसमें हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देते हैं, जो एन अदर है उसमें हम क्या करेंगे एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट रूल है उसमें नेक्स्ट रूल पर जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट रूल क्या है, लाइक आपका पजेसिव प्रोनाउन या आपका पजेसिव प्रोनाउंस आर पजेसिव एडजेक्टिव, टेस्ट में आपको बताना चाहूंगा ये जो पजेसिव प्रोनाउंस कब बन जाता है, कब आपका पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। सो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा नाउन के पहले आते हैं। अगर मैं फिर से बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये हमेशा आपके नाउन के पहले आते हैं। जब आपके ये नाउन के पहले आएंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है आपका ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। लाइक आपका आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई होता है, और वी का होता है आपका आवर, यू का होता है आपका योर, एंड ही का होता है हिज, ही का होता है हर, इट का होता है इट्स, एंड दे का होता है देयर। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स ये क्या होता है, हमेशा आपके नाउन के पहले आते हैं। और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है डियर स्टूडेंट्स, पजेसिव प्रोनाउन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रोनाउन होते हैं, लाइक आपका आई का जो पजेसिव होता है वो आपका माइंड होता है, आई का जो पजेसिव होता है आपका माइंड होता है, और आवर का जो पजेसिव होता है डियर स्टूडेंट्स वो आपका आवर्स होता है, यू का जो पजेसिव प्रोनाउन में बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, जो प्रोनाउन होता है यू का योर्स होता है, योर नहीं होता आपका योर्स होता है, एंड सी का जो होता है डियर स्टूडेंट ये क्या होता है आपका हर्स होता है, और इट का जो पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, दे का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है आपका देयर्स होता है, एंड ही का होता है आपका हिज होता है, एंड सी का आपका हर्स होता है, और अगर आपका मेल और फीमेल आता है तो मेल का डिस्टेंट हिज होगा, जो ही वाला आपका पजेसिव है वही आपका मेल के लिए यूज किया जाता है, और जो सी का प्रोनाउन होता है डिस्टेंट वो आपका हर्स होता है, अगर फीमेल आता है उसके लिए भी आपका पजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है डिस्टेंट तो इससे पिछले वाला जो वीडियो है जो मैंने आपको बताया था किस टेबल के बारे में, उसके टेबल के बारे में पढ़ लीजिएगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो ध्यान दीजिएगा, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। सो ध्यान दीजिएगा के साथ कह रहा है कि अगर पजेसिव प्रोनाउन्स आर पजेसिव एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रॉफी एस आर एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये खुद ही पजेसिव होते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, कभी भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका पजेसिव प्रोनाउन आ जाए और पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, अगर आपका पजेसिव प्रोनाउन आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो एपोस्ट्रॉफी है या एपोस्ट्रॉफी एस जो लिखते हैं डियर स्टूडेंट, इनका प्रयोग आपका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये खुद ही पजेसिव वर्ड है, ये खुद ही पजेसिव वर्ड है डियर स्टूडेंट, इसलिए हम क्या करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। सो मैं एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाना चाहूंगा, लाइक आपका दिया है योर्स ब्रदर जैसे रूल में क्या होता है, अगर आपका पजेसिव प्रोनाउन है या पजेसिव एडजेक्टिव है तो
ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं उसमें, इसमें हम पजेसिव जो एपोस्ट्रॉफी एस है एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये क्या हमारा रॉन्ग है, राइट का वर्ड स्टूडेंट अगर हम इसे लिखते हैं लिखेंगे राइट तो लिखेंगे योर ब्रदर, योर ब्रदर स्टूडेंट क्या होगा आपका योर ब्रदर होगा, योर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि योर आपका सेल्फ ये खुद ही डेफिनेशन पजेसिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव क्यों है क्योंकि डेफिनेशन ये आपके नाम के पहले आया हुआ है, ऐसे कंडीशन आपके योर नहीं होगा, योर के बाद एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं क्योंकि ये जो योर है योर आपका पहले से ही पजेसिव है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए डेफिनेशन, दूसरा एग्जाम्पल से हर सिस्टर हर एपोस्ट्रॉफी एस दिया हुआ है सिस्टर है, हमने आपको क्या बताया कि हर के बाद कभी भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि हर हमारा क्या है पजेसिव है, ये हमारा क्या है गलत है। इसका सही डेफिनेशन क्या होगा आपका, इसका सही जो होगा सही होगा आपका लिखेंगे हर सिस्टर, हर सिस्टर, हर सिस्टर डेफिनेशन, हर सिस्टर, हर सिस्टर नहीं होगा हर सिस्टर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल डेफिनेशन यूज फैक्टफुली, यूज फैक्टफुली इसमें भी डेफिनेशन क्या हुआ है आपका एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, हम यहाँ अगर इसका पजेसिव में क्रिएट करना होगा तो क्या लिखेंगे योर फैक्टफुली डेफिनेशन, या तो हम योर योर फैक्टफुली लिख सकते हैं या योर या लिख सकते हैं योर फैक्टफुली या डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं योर योर लिखेंगे उसमें हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें हम क्या लिख सकते हैं योर योर हम क्या करेंगे योर फैक्टफुली लिख सकते हैं या योर फैक्टफुली लिख सकते हैं, योर पे डेफिनेशन हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं, योर पे एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो ऐसे कंडीशन में डेफिनेशन हम क्या करते हैं एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इन एग्जाम्पल को हम सेंटेंस के थ्रू बताना चाहेंगे, जैसे आपका दिया है कि हिज ब्रदर, His brother, his brother is more handsome. ध्यान दो डेफिनेशन लिखा है कि your brother is more handsome than yours, than yours. Yours में डेफिनेशन क्या लगा दिया आपका एपोस्ट्रॉफी लगा दिया है, yours में क्या लगा दिया आपका एपोस्ट्रॉफी लगा दिया है, तो इसमें हम इसको अगर करेक्ट लिखना हो डेफिनेशन तो करेक्ट क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम his brother, his brother is more handsome, his brother is more handsome than ये तो यहाँ योर्स दिया हुआ है, दिया हुआ आपका योर्स एपोस्ट्रॉफी दिया है, हम योर्स का प्रयोग हम क्या करेंगे एपोस्ट्रॉफी पटाएंगे, योर्स ऑलरेडी क्या है सुन आपका पजेसिव प्रोनाउन हम क्या लिखेंगे केवल योर्स लिखेंगे, केवल क्या करेंगे दिया एग्जाम्पल कि माई फादर इज मोर अर्नेस्ट देन हर्ष, हर्ष दिया हुआ डेफिनेशन, हर्ष में क्या है आपका एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि हर्ष अगर दिया हुआ है उसमें एपोस्ट्रॉफी दिया हुआ है, ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं एपोस्ट्रॉफी को रिमूव कर देंगे, उसको सही लिखना होगा हम क्या लिखेंगे केवल हर्ष लिखते हैं, क्या लिखेंगे केवल हर्ष का प्रयोग करेंगे, उसमें एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये जो हर्ष डेफिनेशन है क्या आपका पजेसिव प्रोनाउन है। तो आई थिंक डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल बताने जा रहा हूँ, बताऊँगा कि नेक्स्ट रूल क्या है आपका। और डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको नेक्स्ट रूल है नेक्स्ट रूल बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है डियर स्टूडेंट लाइक आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी या ऑफ दोनों का प्रयोग करके पजेसिव बनाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका कलेक्टिव नाउन आता है
अगर हमें किसी नाउन से उसका उसको पजेसिव बनाना हो या संबंध स्थापित करना हो तो ऐसे स्टूडेंट में क्या करते हैं स्टूडेंट, या एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं या ऑफ का प्रयोग करके हम उसका पजेसिव बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल्स क्या है, मैं एग्जाम्पल को थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको। लाइक आपका द क्राउड, द क्राउड एपोस्ट्रॉफी एस, द क्राउड रिएक्शन, द क्राउड रिएक्शन। ये सब ध्यान दीजिएगा कि जो क्राउड है, क्राउड क्या है आपका कलेक्टिव वर्ड है, ये क्या आपका समूहवाचक शब्द है। जब भी हमें कलेक्टिव नाउन का दूसरे नाउन से अगर हमें संबंध स्थापित करना होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम कि एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जो आपका कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन क्या करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके उसको हम पजेसिव बनाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम पजेसिव का प्रयोग करते हैं, पजेसिव का अलावा इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर ही सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं ऑफ का प्रयोग करके पजेसिव बनाते हैं। स्टूडेंट ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका कलेक्टिव नाउन आएगा तो कलेक्टिव नाउन क्या करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, जो ऑफ है ऑफ का प्रयोग करके हम पजेसिव बनाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट, लाइक आपका ध्यान दीजिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल था द क्राउड्स रिएक्शंस। ऐसे कंडीशन में क्या किया था, क्राउड में हमने एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया था, ये एपोस्ट्रॉफी एस लगाने से हमारा क्या बन गया आपका पजेसिव बन गया। अगर हमें इसे ऑफ लगाना है तो ऑफ लगाते समय क्या करते हैं स्टूडेंट, जो आपका सेकेंड नाउन है, जो आपका क्या है सेकेंड नाउन है, लाइक आपका रिएक्शन, रिएक्शन से पहले क्या लिखते हैं स्टूडेंट द का प्रयोग करते हैं, क्या करेंगे द का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सेकेंड नाउन लिखते हैं स्टूडेंट सेकेंड नाउन का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे द, उसके बाद सेकेंड नाउन, उसके बाद क्या करते हैं ऑफ का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट ऑफ का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट नाउन है फर्स्ट नाउन का हम प्रयोग करते हैं, फर्स्ट नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये क्या आपका ट्रिक है, इससे हम इस तरीके से अगर ऑफ आता है, अगर ऑफ आता है तो हम ऐसे लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सेकेंड नाउन लिखेंगे, सेकेंड नाउन लिखने के बाद हम क्या करेंगे ऑफ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फर्स्ट नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे रिएक्शन है, रिएक्शन हमने क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल हमने द का प्रयोग किया, फिर सेकेंड नाउन हमने लिखा रिएक्शन, उसके बाद ऑफ का प्रयोग किया ऑफ, उसके बाद द क्राउड, यहाँ पर द क्राउड लिखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कलेक्टिव नाउन जो होता है उसमें एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट द गवर्नमेंट्स डिसीजन, ध्यान दीजिएगा ये भी हमारा सही है, क्यों सही है क्योंकि आपका फर्स्ट नाउन है एपोस्ट्रॉफी एस का भी, जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है उसमें एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसमें हमें ऑफ का प्रयोग करना होगा तो क्या बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम द का प्रयोग करते हैं, हम द लिखते हैं, उसके बाद जो सेकेंड नाउन है सेकेंड नाउन लिखते हैं, उसका हम क्या लिखेंगे ऑफ का प्रयोग करेंगे ऑफ लिखेंगे, उसके बाद द गवर्नमेंट दिया है जो फर्स्ट नाउन है फर्स्ट नाउन दिया है, इस तरीके से हमारा क्या होता है पॉलिसी बन जाता है। तो आई थिंक समझ आ रहा है आपको कि जब भी कलेक्टिव नाउन आएगा तो ऐसे कंडीशन में हम पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग करके हम पॉलिसी बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है नेक्स्ट रूल है आपका लाइक एनिमल्स, अगर आपका एनिमल्स आ जाए तथा बर्ड्स आ जाए, एनिमल्स या बर्ड्स आ जाए तो ऐसे कंडीशन क्या करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर पॉलिसी बनाते हैं। डिफरेंट यहाँ लीजिएगा अगर आपका एनिमल्स आ जाए, एनिमल्स के अलावा क्या है आपका अगर आपका बर्ड्स नहीं बर्ड्स आ जाए तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं डिफरेंट कि हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके उसका पॉलिसी बनाते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखिएगा लाइक यह है ए कैट, ये कैट क्या डिफरेंट क्योंकि आपका एनिमल है और टेल ये कैट टेल अगर हमें इसका पजेसिव बनाना होगा स्टूडेंट हम क्या करेंगे ओनली एस का प्रयोग करते हैं, ओनली एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके इसका पजेसिव बनाते हैं। लाइक आपका कैट है, कैट का पजेसिव क्या है, कैट का पजेसिव क्या आपका एपोस्ट्रॉफी एस है, हम क्या करेंगे ए कैट्स टेल। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका लाइक ए हॉर्स हेड, इसमें यहाँ हॉर्स भी है और हेड भी है तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे कि जो आपका ये एनिमल्स है एनिमल्स में हम क्या करते हैं एनिमल्स आकर सुन क्या करें केवल एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे और एपोस्ट्रॉफी एस को लगाकर हम क्या करते हैं पजेसिव बनाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ये सिंगुलर क्लियर स्टूडेंट, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कैट एक बिल्ली ए हॉर्स एक घोड़ा, अगर आपका सिंगुलर आता है तो क्या करते हैं केवल एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। लाइक आपका थर्ड एग्जाम्पल है ए बर्ड्स, ए बर्ड एपोस्ट्रॉफी एस फीडर्स, ऐसे कंडीशन क्या करेंगे बर्ड है ई बर्ड है क्या करेंगे एपोस्ट्रॉफी
एस लिख देंगे कि बर्ड्स फीडर्स। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि डॉग्स। ये क्या है स्टूडेंट, ये हमेशा आपका सिंगुलर क्लियर है। जब भी आपका सिंगुलर एनिमल आएगा, एनिमल्स आएगा, बर्ड्स आएगा, ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, एनिमल के एनिमल जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं केवल एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। अगर आपका ये आपका सिनेरियो का ये जो है डेरिवेशन इसमें हुआ, अगर आपका सिंगुलर नंबर आता है, अगर आपका प्लूरल आता है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि प्लूरल में क्या डेरिवेशन ऑलरेडी इसमें एस दिया होता है, तो हम इसमें क्या करते हैं केवल ओनली हम क्या करते हैं डेरिवेशन ओनली हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं और एपोस्ट्रॉफी लगाकर पजेसिव बनाते हैं। लाइक हम देखिएगा डॉग्स, ये आपका डॉग्स, यहाँ ऑलरेडी आपका एस आ रहा है डेरिवेशन, जब भी इसको हम पजेसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे बस एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। डॉग्स नेस्ट, आपका बर्ड्स दिया हुआ है BIRDS बर्ड्स, बर्ड्स नेस्ट, अगर इसको हम एपोस्ट्रॉफी बनाना होगा, पजेसिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर देंगे, इसका पजेसिव बना देंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आपका बहुवचन आता है, प्लूरल आता है, जैसे कंडीशन हम क्या करते हैं उसमें ऑलरेडी एस दिया होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करके हम पजेसिव बनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो रूल्स मैंने आपको डेस्ट में बताया था, ये आपका ये रूल था डेस्टमेंट, ये आपका बेसिक टू एडवांस रूल था लाइक आपका पजेसिव का। सो आई थिंक मेरे हिसाब से डेस्ट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें कि क्या पजेसिव होता है, पजेसिव किस तरीके से हम पजेसिव बनाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा डेस्टमेंट। इसके बाद डेस्टमेंट जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेस्टमेंट द प्रोनाउन सर्वनाम। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है डियर फ्रेंड, ये जो टॉपिक है आपका, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर एग्जामिनेशन डियर फ्रेंड, जो आपका फॉर एग्जामिनेशन लाइक आपका यूपी बोर्ड, लाइक आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लाइक आपका यूपी टेट, प्राइमरी, जूनियर, सीके, टीजीटी, यूजीटी, ये अगला जो टॉपिक है डियर फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैं आपको जो प्रोनाउन पढ़ाऊंगा डियर फ्रेंड बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा। सो डियर फ्रेंड, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।